భూతం భౌతిక సృష్టయ తం నవు పరమాత్మానం సచ్చిదానంద విగ్రహం. హిరణ్యగర్భో నామ మూర్తిత్రయాదన్య ప్రథమో జీవ. అది ఉన్న పౌరాణిక హిరణ్య గర్భ ఎనిమిది, ఇక ఔపనిషద హిరణ్య గర్భ. इसलिए आप विस्मय करेंगे, हिरण्यगर्भ तो वो मूर्ति त्रय में एक आ जाता है, इसको हम ब्रह्मा कहते हैं, आप उसको मूर्ति त्रयात अन्य कह रहे हैं और जीव कह रहे हैं, तो ये सब उपनिषद की दृष्टि से यहाँ पर कहा गया है, तो इसके लिए प्रमाण वचन भी है. देखिए, सवै शरीरी प्रथमः, सवै पुरुष उच्यते, आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्मा अग्रे समवर्तते. मनुस्मृति का वचन है. तो इस वचन में हिरण्यगर्भ को प्रथम शरीरी ऐसा कहा गया है, सर्वप्रथम शरीर वाला वही है, तो उसके पूर्व जो कारण है वह तो अशरीर है, उसका कोई अपना शरीर नहीं. पुरुष सूक्त में जो वर्णित हिरण्य गर्भ समवर्त अग्रे ये सब है, वो अलग ब्रह्म है नहीं, यही हिरण्य गर्भ है, वो प्रथम शरीर ही ब्रह्म. हाँ, प्रथम शरीर. तो ये विराट का, हाँ विराट इसी का स्थूल रूप है. अभी सूक्ष्म शरीर समष्टि को उपाधि मान करके उसके साथ चैतन्य को जोड़ करके हम हिरण्य गर्भ ऐसा व्यवहार करते हैं. इसी तरह स्थूल समष्टि को लेकर के जब करेंगे तो यही विराट बन जाएगा. विराट इतना है, हिरण्य गर्भ किसी इंद्रिय का वेद्य होता नहीं, उसका रूप कैसा है यह कोई नहीं बता सकता, वह तो अतीन्द्रिय वस्तु है, लेकिन विराट का रूप हम मन से कल्पित कर सकते हैं. विराट देखने वाला है. ये जो विश्व रूप देखा गया अर्जुन नारद आदि द्वारा, तो वो देखने का जो चीज है वह विराट का स्वरूप है. तो संपूर्ण विश्व को एक साथ जो देख लेता है तो वह उस विराट स्वरूप का दर्शन है. ठीक है, और हिरण्य गर्भ का कोई दर्शन कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर उपाधिक है. पुराणों में ब्रह्मा जी वर देता है ऐसा. हाँ, वो मूर्ति त्रय है, वो तो परमेश्वर ही है, समझिए. फिर तो उसका शरीर बनता है. परमेश्वर भी साधक के अनुग्रहार्थ शरीर ले सकता है, अपनी माया को लेकर के, संभवान आत्म माया. तो इसी तरह सभी अवतार बनते हैं परमेश्वर के अवतार, तो उसको हम जीव नहीं कहते हैं, क्योंकि वह तो परमात्मा का ही है स्वरूप. उसमें थोड़ा भी वह अहम ऐसा जीव भावना है नहीं उन अवतारों में, वो केवल एक नाटक के रूप में, जैसे एक मनुष्य अपना. अब देखिए, कुछ अंश अवतार कहते हैं, पूर्ण अवतार कहते हैं, उसमें आने आने अलग के अनेक प्रकार है, वो सब हो सकता है, लेकिन वो सब पौराणिक प्रक्रिया है. तो इधर तो प्रक्रिया नहीं है. इत्यादि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे इत्यादि श्रुते. तो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे यह श्रुति और सवै शरीरी प्रथम सवै पुरुष उच्यते, दोनों स्मृति में एक ही हिरण्यगर्भ का वर्णन है, सूक्ष्मोपाधिक, सूक्ष्म समष्टि उपाधिक चैतन्य रूप है वह. आपने यह सुना है, कार्योपाधिरयम् जीवः कारणोपाधिरीश्वरः.
कारण है माया, और माया जिसकी उपाधि है वह ईश्वर है, परमेश्वर होता है। और कार्य सूक्ष्म और स्थूल, तो ये जिसके जिसकी उपाधि है वह है जीव। तो हिरण्यगर्भ की उपाधि है सूक्ष्म समष्टि, सूक्ष्म शरीर, ये तो कार्य है, तो इसलिए हिरण्यगर्भ जीव कोटि में आता है, और मायोपाधिक जो है परमेश्वर कोटि में जाता है। हिरण्यगर्भ और उसके बाद विराट, ये सब जीव कोटि में आ जाते हैं। एवं भूत भौतिक सृष्टि ही निरूपिता, पांच भूतों की सृष्टि और पंचीकरण आदि होने के बाद भौतिक की सृष्टि, इंद्रिय भी भौतिक ही है, तभी इंद्रिय भौतिक है, किंतु अपंचीकृत पंचभूत से निर्मित है, उनका निरूपण हो गया। इदानीं प्रलयो निरूप्यते जन्मादि अस्य यतः, स्थिति का निरूपण तो अभी इतना आवश्यक नहीं, क्योंकि हम लोग पहचान रहे हैं स्थिति क्या है, सृष्टि और प्रलय को हम नहीं जानते हैं, तो इसीलिए इन दोनों का निरूपण यहाँ कर रहे हैं। इदानीं प्रलयो निरूप्यते, प्रलयो नाम त्रैलोक्य नाशः, जो त्रैलोक्य उत्पन्न हुआ उसका नाश, नाश को ही प्रलय कह रहे हैं। कारण को अभी मत लीजिए, कार्य का नाश, कारण का भी नाश हो जाएगा, जब होगा तब तो वह मुक्ति कहेंगे, अब उसका आगे निरूपण करेंगे। नहीं, त्रैलोक्य नाश, त्रैलोक्य मैंने सभी पदार्थ, उसमें आप थोड़ा लेकर के भी नाश का निरूपण कर सकते हैं, संपूर्ण लेकर के भी नाश का निरूपण हो कर सकते हैं। ऐसा है, ये ब्रह्मांड है ना, इसको तीन प्रकार से विभाग करते हैं, यह त्रिलोकी पक्ष है। त्रिलोकी माने देखिए, भूलोक एक हो गया, इसके नीचे जो है सब उसमें आ जाते हैं, तो इसके बीच में अंतरिक्ष लोक है, और उसके ऊपर स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक तक पूरा एक है, तो यह है त्रिलोकी। इसी तरह सप्तलोकी पक्ष है, अभी चतुर्दश भुवन बताए थे, एक उसका विभाग करने का अलग अलग प्रकार है, अवांतर विभाग। तो त्रैलोक्य माने पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड का जो नाश होता है वह प्रलय है, ये तो सामान्य रूप से बताया, नाश को प्रलय कहते हैं, इतना नीति है। इसीलिए प्रलय का आगे विभाग करेंगे चतुर्विध, सहा चतुर्विध सहा प्रलय, वह प्रलय चार प्रकार के का है, क्या क्या है, नित्य प्राकृत नैमित्तिक आत्यंतिक, नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, तत्र नित्य प्रलय सुषुप्ति ही, सुषुप्ति जो है वह नित्य प्रलय, जब लोग शयन, हाँ शयन में स्वप्न भी जब मिट जाता है हाँ तब जो स्थिति है तो वहां प्रलय है, तो उसको नित्य प्रलय, दैनंदिनी का प्रलय ऐसा कहा जाता। तस्याः सकल कार्य प्रलय रूपत्वात्, सुषुप्ति माने सभी कार्यों का विलीन हो जाना, यही है सुषुप्ति। देखिए जब स्वप्न देखते हैं उस समय हमारा अंतःकरण काम करता रहता है, उसके बिना देख नहीं सकते, किंतु सुषुप्ति में तो वो भी सुषुप्त हो जाता है, वो भी लीन हो जाता है, तो इसीलिए सकल कार्य विलय रूप है, सकल कार्य प्रलय रूपत्वा। यहां प्रश्न हो जाएगा, यदि सकल कार्य प्रलय है सुषुप्ति, तो इसने जागृत अवस्था में जो पुण्य पाप किए उसका भी तो प्रलय हो जाना चाहिए, और
पुण्य पाप समाप्त हो गया तो फिर कैसे उठेगा वह। उत्थानम निस्यात तो कहते हैं धर्माधर्म पूर्व संस्काराणां च तदा कारणात्मना अवस्थानम। धर्म अधर्म प्रलय तो है लेकिन प्रलय माने क्या, कारण रूप में विद्यमान। आप जानते हैं घट मृतिका से बनता है, जब तक स्थित है तब तक वह मृतिका रूप से अलग नहीं होता, वो भी मृतिका मक है। लेकिन जब लय हो जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, तभी वह क्या हो जाता है, कहाँ चला जाता है, मिट्टी ही बन जाता है, स्वयं मिट्टी बन जाता है, है ना। तो कार्य रूप में वह है नहीं, कार्य रूप में था अभी कारण रूप में है, कार्य रूप में नहीं है। कारण रूप में वह है तो पुनः उत्पन्न हो सकता है कार्य रूप में, उसी मिट्टी को लेकर के फिर से दूसरा घट बनाया जा सकता है। तो इस तरह देखा जाए तो कार्य कारण के रूप में विलीन हो करके फिर से आ भी सकता है। हाँ, आप जब आप उसको नष्ट समझते हैं पूर्व घट को, तब आप कहेंगे यह नया। यदि आपको पता नहीं है वह नष्ट हुआ तो आप इसको नया नहीं कहेंगे। भूत ग्राम सैवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियागमे अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे, ये गीता का वचन है। तो इसीलिए हम लोग पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं होने से हम इसको नया जन्म मानते हैं। यदि उसका स्मरण होता तो ये एक पुराना हो जाता। इसी तरह है जिसका वो पूर्व लय मालूम होता है तो हम उसको देखते समय दूसरे बार देखते समय ये दूसरा है ये कहेंगे, यदि ऐसा ज्ञान नहीं है तो वही है ऐसा कहेंगे। सेयम दीपज्वाला, दीपज्वाला एक घंटा तक जल रहा है दीप, हाँ वही दीपज्वाला है, कैसे हो सकता है वही दीपज्वाला है तो तेल क्यों खत्म हो रहा है। क्योंकि हमें पता नहीं है वो स्वतः नष्ट हो रहा है, दूसरा दूसरा उत्पन्न हो रहा है। और भी देखिए बीच में 5 मिनट के लिए वह बुझ गया बीच, किसी ने आग करके उसको फिर से जलाया, लेकिन हम जानते नहीं बीच में बुझा हुआ था, तो हम क्या कहेंगे, सेयम दीप ज्वाला, ऐसा ही कहेंगे, है ना। तो इसीलिए पूर्व प्रलय का ज्ञान नहीं है तो उत्तर उत्पत्ति में हम उसी उसी को वही है ऐसा ऐसा मानेंगे, वही है। तो यहां पर भी यही है, धर्म अधर्म पूर्व संस्काराणां च तदा कारणात्मना अवस्थानं, कारण में विलीन होकर के रहता है फिर आ जाता है। भावतीकार यहाँ एक उदाहरण देते हैं, वर्षा काल में एक ही दिन में भूमि क्षेत्र में इतने मेढक अकस्मात कैसे आ जाते हैं, तो उनके लिए भी तो थोड़ा समय चाहिए। हाँ समय नहीं आए आज अभी वर्षा भी 1 घंटे में वहां मेढक आ जाते हैं, कहाँ आ गए। तो ये सब वहीं पर स्थित थे, वर्षा के बिना सूख करके वहीं पर भूमि में दबे थे, और जब वर्षा का पानी उनके ऊपर पड़ता है तो जीवित होकर के उठ आ जाता। तो भूमि में वह विलीन होकर के सुख करके विलीन होकर के थे, तभी वर्षा के कारण पुनः जीवित होकर के उठ गए। तो यही स्थिति है सुषुप्ति में, सुषुप्ति में सब इसी तरह अपने स्वरूप के साथ सुख जाता है, विरत व्यापार होकर के अविद्या में विलीन हो जाता है, और उत्थान समय में फिर से
सजीव होकर के उठ जाता है। विज्ञान में कहते हैं शीत निद्रा में चले जाते हैं। शीत निद्रा तो उसी तरह का है। तेना सुप्तोत्थितस्य न सुख दुःखाद्य अनुपपत्ति ही न वा स्मरण अनुपपत्ति ही। अधर्म अधर्म यदि नष्ट हो जाते हैं तो जब वो सुप्तोत्थित होगा कोई धर्म अधर्म नहीं, सुख दुख का अनुभव नहीं हो पाएगा, यह आपत्ति नहीं है अब। और उसी तरह कल का स्मरण जो आता है वो संस्कार यदि नष्ट हो जाता तो स्मरण कैसे हो सकता है कल का क्या हुआ, तो इसलिए वह अनुपपत्ति भी अभी नहीं है क्योंकि वो सब हैं, विलीन होकर के हैं फिर पुनः आ जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है, न च सुषुप्तौ अंतःकरणस्य विनाशेन तदधीन प्राणादि क्रियानुपपत्ति। आपने बताया अंतःकरण उस समय नष्ट हो गया सुषुप्ति में, ठीक है विलीन हुआ, काम तो नहीं करता है, लेकिन ये श्वास प्रश्वास चलता है ना, जो सोता रहता है सुषुप्ति में है उसका भी तो ये श्वास प्रश्वास देखने में आता है, सब लोग देखते हैं। तो तदधीन प्राणादि क्रिया अनुपपत्ति ही, तो इसके आधार पर तो हम अनुमान लगा सकते हैं वहां उसका अंतःकरण काम कर रहा है, अन्यथा वो कैसे सांस लेगा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, वस्तुतः श्वासाद्य भावेपि तदुपलब्धे पुरुषांतर विभ्रम मात्रत्वा। देखिए एक कठिन उत्तर है, समझना थोड़ा कठिन होगा क्योंकि हमारा संस्कार इसके विपरीत भावना को उत्पन्न कर रहा है। वो तो नहीं देख रहा है जो सुषुप्त है, क्या उसको सांस लेना दिखाई पड़ता है, वो अनुभव कर रहा है मैं सांस ले रहा हूँ, नहीं वो सांस ले रहा है, ये तो आप देख रहे हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं, तो ये आपका भ्रम है, वो सांस ले रहा है। सुषुप्ति में जब रजत का भ्रम हो रहा है तो सुषुप्ति को कोई भ्रम नहीं हुआ है, रज्जु ऐसा नहीं समझता कि हम अभी मैं अभी सर्प बना हूं, हम सर्पोस्मी ऐसा नहीं कहता है, देखने वाला उसको सर्प के रूप में देखे, रज्जु के रूप में देखे, तो रज्जु को क्या बनता है। भ्रम तो दूसरे का है, तो जिस विषय में भ्रम हुआ है उस विषय में तो कोई परिवर्तन नहीं। तो इसी तरह वस्तुतः उसमें श्वास प्रश्वास कुछ नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं वो सांस ले रहा है, तो ये आपका भ्रम है। तो उसी तरह प्रत्यक्ष दिखता है, सांप रज्जु में प्रत्यक्ष दिखता ही है। तो दूसरा समाधान आपके लिए दिया जाए, इस समाधान को आप नहीं ले सकेंगे तो इसको अलग कर दीजिए, दूसरा समाधान दिया जाएगा। देखिए दृष्टांत दे रहे हैं, सुषुप्त शरीरोपलम भवत, सोया हुआ जो मनुष्य है उसका शरीर आप देख रहे हैं, सुप्त पुरुष है यहाँ, उसका शरीर भी तो विलीन हो गया होगा, विलीन होना चाहिए, सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोहि भूतः सुखरूप मेति, ये श्रुति का वचन है। तो वो जो शरीर है वह उस समय नहीं है, फिर आप देख रहे हैं यह तो आपका भ्रम है। उसी तरह उसका सांस लेना ये भी दूसरा भ्रम है, तो ये प्रथम समाधान दिया। तो इस परम भ्रम है, हाँ तो यह एक प्रश्न करेगा, यदि आप ऐसा उत्तर देते हैं तो सुषुप्त और मृत में क्या भेद रह जाएगा, मृत शरीर और सुषुप्त शरीर
दोनों में कुछ भेद होना चाहिए। तो कहते हैं न चैवम सुप्तस्य परेताद अविशेषः परेत वृत, उससे कोई विशेष नहीं है ऐसा नहीं। सुप्तस्य ही लिंग शरीरम संस्कारात्मना अत्रैव वर्तते, परेतस्य तु लोकांतरे इति वैलक्षण्या। सुषुप्त का जो लिंग शरीर है वह अभी है, जहां आप देख रहे हैं वहां पर है, आप उसको नहीं देख रहे हैं फिर भी वो है यहीं पर, लेकिन वह परेत हो जाता है तब तो उसका लिंग शरीर नहीं रहता है, वो उत्क्रमण करके कहीं दूसरे जगह चला जाता है। यह भेद है यद्वा। अच्छा, इस समाधान को आत्मसात करने के लिए उत्तम अधिकारी होना चाहिए, तभी इसका ज्ञान हो सकता है। तो इसलिए सामान्य लोगों के लिए दूसरा एक समाधान देते हैं यद्वा अंतःकरणस्य द्वे शक्ति। अंतःकरण जो है उसकी दो शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति ही क्रिया शक्तिश्च, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति। तत्र ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतःकरणस्य सुषुप्तौ विनाशः, ज्ञान शक्ति संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है सुषुप्ति काल में, अंतःकरण काम नहीं करती है। क्रिया शक्ति है तो क्रिया शक्ति होने से वो सांस ले रहा है, नहीं जानते हुए भी सांस ले रहा है, क्रिया शक्ति के कारण चल रहा है। तत्र ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतःकरणस्य सुषुप्तो विनाशः न क्रिया शक्ति विशिष्टस्य इति प्राणाद्यवस्थानम् अविरुद्धम्। यह क्या हो गया नित्य प्रलय, तो ऐसा प्रलय होता है इसमें क्या प्रमाण? श्रुति प्रमाण। यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यति अथास्मिन् प्राणे एकधा भवति अथ एनं वाक् सर्वैर् नामभिः सह आप्येति। आगे भी है चक्षुः सर्वैः रूपैः सह आप्येति। अपना इंद्रिय जो है, इंद्रिय जिस विषय का ग्रहण होता करता है उस विषय के साथ स्वयं इसमें विलीन हो जाता है प्राण में सुषुप्ति काल में, यह श्रुति का कथन है। तो इस श्रुति के आधार पर दैनिक प्रलय मनन माने नित्य प्रलय, नित्य प्रलय का अंगीकार किया जाता है। और सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपीतो भवति इत्यादि श्रुति ही उक्त सुषुप्तौ मानम, उक्त सुषुप्तौ माने प्रलयात्मक सुषुप्ति, सुषुप्ति में जब प्रलय होता है इसके लिए ये श्रुति प्रमाण है। दूसरा प्रलय है प्राकृत प्रलय, इसका निरूपण कर रहे हैं। प्राकृत प्रलयस्तु कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तकः सकल कार्यनाशः। जो कार्य ब्रह्मा एक है ना ब्रह्मलोक में वर्तमान, वो परार्थ कोई जीवी है, 50-50 उसके हिसाब से वर्ष एक परार्थ होता है, तो शतक एक शत वर्ष हो जाने के बाद मुक्त हो जाता है शतानंद। वो जब मुक्त हो जाता है माने उसका विनाश जब हो जाता है उस समय एक बड़ा सा प्रलय आ जाता है, उसको प्राकृत प्रलय कहते हैं। उसमें सकल कार्य विनाशः हो जाता है। कई कहते हैं यदा तु प्रागेव उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारस्य कार्य ब्रह्मणः ब्रह्मांड अधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्त विदेह कैवल्यात्मिका परम मुक्ति तदा तल्लोकवासिनामपि उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणां ब्रह्मणा सह विदेह कैवल्यम्। का आत्यंतिक प्रलय है,
यह दूसरा उसका विवरण करेंगे। देखिए ब्रह्मलोक में एक ब्रह्मा है, चतुर्मुख ब्रह्मा, तो ब्रह्मा सामान्य नहीं है, वह तो ब्रह्म साक्षात्कार वाला है, उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार है, उसने इतना पुण्य किया है, श्रवण मनन सब किया है, वो पूरा वेदांत का अर्थ ज्ञाता है और अनुभव उसको हुआ है, इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार वो तत्व ज्ञानी है। फिर क्यों ब्रह्मलोक में बैठ करके कार्य चला रहा है, तो कह रहे हैं ब्रह्मांडाधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्त, परमेश्वर ने उसको नियुक्त कर दिया है, तुम अपना 100 वर्ष यहाँ बिताओ, यह काम करो, उस अधिकार दे करके उसको नियुक्त कर दिया है, अर्थात उसका वो जो प्रारब्ध कर्म है उसकी समाप्ति यह पूर्ण होने पर ही होगी। तो जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है तो वह विदेह मुक्त हो जाता है, तो ब्रह्मा जो है उसका प्रारब्ध कर्म इतना बड़ा प्रारब्ध कर्म है, उसके हिसाब से 100 वर्ष तक चलता है और समाप्त हो जाता है। अब जब समाप्त हो जाता है तो विदेह कैवल्यात्मिका परम मुक्ति ही, विदेह मुक्ति उस ब्रह्मा को होती है। अच्छा, ब्रह्मा को मुक्ति मिली, इतना ही नहीं उसके साथ उसी ब्रह्म